बार एसोसिएशन चुनाव में हंगामा, मतदाताओं ने व्यवस्था को लेकर खड़े किए सवाल। धनबाद बार एसोसिएशन की नई कमेटी के 16 पदों के लिए आज मतदान चल रहा है। बार एसोसिएशन परिसर में सुबह 8:30 बजे से मतदान शुरू हुई, जो शाम के 4:30 बजे तक चलेगी। 16 पदों के लिए कुल 89 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव के दौरान अपना मतदान करने पहुंचे अधिवक्ता काफी नाराज दिखे। अधिवक्ता के द्वारा हंगामा भी किया गया। व्यवस्था को लेकर अधिवक्ता मतदाता काफी आक्रोशित नजर आए। इस प्रचंड गर्मी में पानी समेत अन्य व्यवस्था का अभाव पर मतदाता द्वारा हंगामा किया गया। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि ये अपने परिवार का चुनाव है, थोड़ी बहुत कमी रह गई है, जिसके कारण मतदाता नाराज है। अगले साल होने वाले चुनाव में जो भी कमियां रही हैं, वो चुनाव पदाधिकारी को अवगत करा दिया जाएगा, जिससे अगले बार दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जिसके प्रेसिडेंट होते हैं एक पद, महासचिव एक पद होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी लाइब्रेरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्निंग काउंसिल के 9 पद। धनबाद बार एसोसिएशन के चुनाव में कुल 16 सदस्यीय कमेटी का चुनाव हो रहा। आज 8:30 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, जो कि 4:30 बजे तक चलेगी। और मैं अपने जितना भी अधिवक्ता बंधु हों, चाहे वो धनबाद सिविल कोर्ट में क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करते हों, सिविल में करते हों, रिवेन्यू में करते हों, रिवेन्यू में रजिस्ट्री ऑफिस में करते हों, चाहे टैक्सेशन में करते हों, सेल टैक्स इनकम टैक्स में, सभी लोगों को मैं आभार व्यक्त करूँगा। इतनी गर्मी में भी हम लोग का जो अपना परिवार का चुनाव है, उस परिवार के चुनाव में उत्साहपूर्वक भाग लेने के लिए आए हैं। कुछ नाराजगी लोगों में है, जो स्वाभाविक होती है, कुछ और व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी। तो ये परिवार का चुनाव है, कोई बहुत बड़ी इश्यूज नहीं है। हम लोग फिर से डिसाइड करेंगे कहाँ कहाँ कुछ कमी यदि रह गई है, तो नेक्स्ट टाइम के जो इलेक्शन कमेटी होंगे उनको सलाह देंगे हम लोग, तो इसी इस कमेटी में सुधार किया जाए। क्योंकि भीषण गर्मी, आप समझिए, इतनी गर्मी में भी क्या उत्साह है, आप चारों बगल घूम के देख सकते हैं। और परिवार का चुनाव है, कहीं कोई टेंशन नहीं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, सब परिवार का चुनाव है। बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एक बार पुनः मेरा सभी लोगों को धन्यवाद। अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के लिए इस बार कांटे की टक्कर है। अध्यक्ष के एक पद के लिए 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं महासचिव पद के लिए 6 उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक रहे हैं। कोषाध्यक्ष एक पद के लिए 7 प्रत्याशी चुनावी दंगल में है। कार्यकारिणी सदस्य के लिए, जिसमें 9 पद है, 286 अधिवक्ता मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अमरेंद्र कुमार सहाय उर्फ मुन्ना सहाय, हरीश कुमार जोशी एवं राधे श्याम गोस्वामी अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। अजय किशोर नारायण उर्फ अजय अम्बस्त, धनेश्वर महतो, पीके भट्टाचार्य, राजदेव यादव और सुबोध कुमार उर्फ चीकू केसरी उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं। 2086 वोट है, करीब कितना वोट आपको मिलने की संभावना है? पिछले बार 250 के अंतर से जीता था, इस बार 500 से ज्यादा के अंतर में जीतूंगा। इस बार जीत के अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अलग काम करेंगे, प्राथमिकता क्या रहेगी? ये जो अर्ध निर्मित भवन है, इसको पूरा करना है। लोगों का बैठने का दिक्कत है, वो सारा को हमने कल के बाद बैठ कर अधिवक्ताओं के युवा अधिवक्ता के अधिवक्ता तो अभी चला ही रहे, नहीं लेकिन जो युवा अधिवक्ता जिनको जगह नहीं है उनको बैठाना है। और आने वाला 20 साल तक जो पास आउट होकर के आते हैं, उन लोगों का बैठने का कोई स्थान नहीं होता है, उन लोगों का स्थान। 2086 वोट में करीब कितने वोट पड़ने की संभावना है? हमको लगता है कि 2000 तो पड़ ही जाना चाहिए। काफी उत्साहित है, सभी लोग अपना अपना मतदान, अपने प्रिय जो है, जो उनके सुख दुख में काम आता है, पल पल का साथी रहता है, जिनके पास कल्याणकारी योजनाओं का बात रहता है, वो उनको वो
वोट दे रहे हैं और मैं भी एक उम्मीदवार हूँ राधे श्याम गोस्वामी अध्यक्ष पद का, तीसरी बार मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और हमको जैसा लग रहा है किस तरह का उत्साह देखने को मिल रही है? बहुत उत्साह है, चुनाव होने पर एक पर्व का जो त्यौहार का जो उत्साह होता है वो उत्साह का आलम है। लोग हैं धूप में भी कहना नहीं चाहिए लेकिन धूप में भी कतार पद है, घंटों इंतजार के बाद चूंकि लंबी लाइन है और हमको लगता है 1200 से अधिक वोट मर चुका है, 1200-1300 और कुल 2000 वोट पड़ना है। चुनाव काउंटिंग आज संपन्न होगी कि कल संपन्न? कल 9 तारीख से।